झारखंड के राजमहल के तालझाड़ी थाना क्षेत्र के बांसकोला घाट से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते हुए दो अपराधियों को खदेड़कर अवैध हथियार के साथ दबोच लिया। उक्त तथ्यों की जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर दी। श्री सिंह ने बताया कि तालझाड़ी थाना प्रभारी कैलाश कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो युवक बिना नंबर के पल्सर के साथ एक देसी कट्टा लेकर बैठे हुए हैं। उनकी योजना अपराध करने की हो सकती है। यदि तुरंत छापामारी किए जाए तो दोनों युवक हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस अलर्ट हो गई और तालझाड़ी थाना प्रभारी कैलाश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ बांसकोला घाट के पास पहुंचे। दो युवक पुलिस गाड़ी को देखकर पल्सर गाड़ी को छोड़कर भागने लगे। पुलिस की टीम ने खदेड़कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। दोनों से पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के चानन निवासी चुनचुन दास बताया। पिता गणेश रविदास एवं दूसरे ने मुस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर दियारा निवासी वर्तमान पता जिरवाबाड़ी पिता राम सागर सिंह बतलाया। तलाशी लेने पर चुनचुन दास के बाई कमर के में जींस के सहारे खोसा हुआ एक अवैध देसी कट्टा तथा वीर कुमार सिंह के पास जींस के दाएं पॉकेट से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। दोनों के पॉकेट में एक एक स्मार्ट मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। कॉल डिटेल्स के सहारे पुलिस अपराध की योजना की जानकारी जुटा रही है। थाना प्रभारी तलझारी गुप्त सूचना मिली कि बांसकोला घाट के पास दो अपराधी जो अपने पास पिस्तौल रखे हुए है और बिना नंबर की मोटरसाइकिल से खड़ा है, किसी अपराध को करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तलझारी, उनके साथ सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार और अन्य सशस्त्र बल के साथ बांसकोला घाट के पास छापेमारी की गई। दो व्यक्ति को एक पिस्टल और गोली के साथ तथा दो स्मार्टफोन और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। इन लोगों की योजना अपराध करने की थी, जो पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर इनके पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। यह थाना प्रभारी तलझारी की अच्छी उपलब्धि है। बरामद अवैध देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल एवं मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट को विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार राजमहल पुलिस थाना में अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई और इस होते हुए अवैध अपराध को रोका गया। यदि आपको झारखंड से जुड़ी इन्हीं रोचक खबरों की जानकारी लगातार चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहे जीएन भारत। धन्यवाद।